तो सबसे पहले आपको क्या करना, गूगल को ओपन कर लेना और सर्च में आपको टाइप करना है HDFC बैंक नेट बैंकिंग। सर्च करें, सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिले नेट बैंकिंग HDFC बैंक, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए प्रोसेस नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करें उसको देखिए वेलकम टू HDFC बैंक नेट बैंकिंग का ऑप्शन पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कस्टमर आईडी पता है तो यहाँ पर इंटर करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। आपको लास्ट में लॉगिन करके भी आपको दिखाएंगे, पर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट कस्टमर आईडी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे उसको यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर कर देना जो बैंक के साथ लिंक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पैन नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। और जो कैप्चा शो कर रहा है आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं सारा डिटेल्स यहाँ फिल कर देता हूँ, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक कर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ठीक है, OTP मेरा आ चुका है। चलिए मैं इस बॉक्स में इंटर कर देता हूँ 6341112। तो मैंने यहाँ पर OTP इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कस्टमर आईडी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कस्टमर आईडी को पता कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो बहुत ही आसान तरीके से ATM मशीन पर जाकर मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का प्रोसेस क्या है वो अगर जानना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो देखने में, बहुत ही आसान तरीके से आप मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद कस्टमर आईडी बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक किया, जो भी कस्टमर आपने पता किया वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, और इंटर करने के बाद उसको कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसका जो भी आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, तो मैंने इंटर कर दिया, उसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग पासवर्ड किस तरह से बनाना अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा इस वीडियो देखने में बहुत ही आसान तरीके से नेट बैंकिंग पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।